हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल अर्थ में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका ऑनलाइन चलान कट गया है तो आप किस तरह से उसे पे आउट कर सकते हैं, कौन सा वैसा वेबसाइट है जहां पे आप इसे पे आउट कर सकते हैं और किस तरह का ये प्रोसेस रहेगा। तो इन सभी डिटेल्स को मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आप किसी भी तरीके का जो है गलती ना करो और आपका चलान जो है किसी भी तरह का पेमेंट वेरिफिकेशन में नहीं फंसे। क्योंकि अगर एक बार अगर पेमेंट वेरिफिकेशन में फंस जाएगा गलती से भी, तो आपको 24 से 48 घंटा तक का जो है उसको लॉक कर लिया जाता है, यानी कि इस बीच आप पेमेंट नहीं कर सकते हो। तो आप अपने व्हीकल्स को बाहर भी नहीं ले जा सकते हो इस दौरान, क्योंकि अगर उस पर चलान बना रहेगा तो एक अलग से हैवी फाइन इसके ऊपर जो है वो बनता है इंडियन एक्ट के थ्रू। तो इसलिए इसके अंदर जो है आपको काफ़ी बारीकी से आपको पेमेंट करना होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर चले आना होगा। आपके चलान पर भी इस वेबसाइट का जो है नाम दिया गया था, अदरवाइज मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप यहाँ पर आ सकते हो और आपको यहाँ पर चलान नंबर के थ्रू भी आप चलान डिटेल्स निकाल सकते हो, व्हीकल नंबर्स और DL नंबर के थ्रू ही। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ एंड देन इसके बाद चलान नंबर के थ्रू जो है मैं डिटेल्स निकालने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना चलान नंबर दूंगा और यहाँ पर जो है कैप्चा भरने के बाद गेट डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद जो है आपको नीचे में अपना जो है एक OTP आएगा और OTP आपको दे देना है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, मतलब जिस नंबर से आपका चलान कटा होगा। तो आपको जो है वो OTP डालने के बाद जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे तो आपको जो है आपका चलान डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएगा कि कब कटा है, कितने रुपये का है और कहाँ कटा है। तो सारा डिटेल्स देखने के बाद आप यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर को अपना जिस भी ईयर का चलान भर रहे हो वो करना है और यहाँ पे वन टाइम पेमेंट पे जो है क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है एंड देन इसके बाद आप किस पेमेंट गेटवे में मेथड का यूज़ करोगे, तो ई पेमेंट को यूज़ करने के बाद आप जो है यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट कर लो और उसके बाद आप सबमिट बटन पर जो है क्लिक कर दो। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद जो है आपको आपके बैंक का जो है पोर्टल खुल जाएगा, जिस भी बैंक को आप सेलेक्ट किए हो। एंड देन उसके बाद आप UPI, QR कोड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। तो मैं QR कोड से पेमेंट करूँगा। तो QR कोड से पेमेंट करने के बाद आपको इस तरह का सक्सेसफुली मैसेज दिख जाएगा एंड देन इसके बाद आपको एक रिसीविंग दिख जाएगा जिसको आप प्रिंट आउट या फिर सेव करके रख सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें।